एक रूम मिलता होगा, कितना चार्जेस लेते हैं आप? प्रति विधायक एक रूम जो है, जो नए विधायक बन के आएंगे उनसे 50 रुपये पर डे के हिसाब से रूम लिया, रेंट लिया जाएगा। और एमपी से कितने चार्जेस? जो एमपी है उनका भी 50 रुपये रूम रेंट लिया जाता है। एमएलए जो अपने गेस्ट रहते हैं उनकी बुकिंग विधानसभा के थ्रू होती है और उसका 600 रुपये रूम रेंट पर डे के हिसाब से। 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आने हैं। जनप्रतिनिधि जो चुने जाएंगे, जब चंडीगढ़ पहुंचते हैं तो उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था रहती है, उनको क्या सुविधा सरकार की तरफ से मिलती है, विधानसभा में पहुंचने के बाद बतौर विधायक उनको क्या मिलता है यहाँ पर रहने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं एमएलए हॉस्टल, और एमएलए हॉस्टल ही विधायकों को ठहरने के लिए मिलता है। चंद्र शर्मा जी जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे बातचीत करेंगे। चंद्र जी, यहाँ टोटल कितने रूम्स हैं? टोटल यहाँ 40 रूम है जी, हरियाणा के जो 40 कमरे। और प्रति विधायक एक रूम मिलता होगा, कितना चार्जेस लेते हैं आप? प्रति विधायक एक रूम जो है, जो नए विधायक बन के आएंगे उनसे 50 रुपये पर डे के हिसाब से रूम लिया, रेंट लिया जाएगा। और एमपी से कितने चार्जेस? जो एमपी है उनका भी 50 रुपये रूम रेंट लिया जाता है। और एमएलए के हमारे पास फ्लैट है, जो एमएलए उसके तो सामने बने हुए हैं, 66 के करीब फ्लैट हैं जो एमएलए को अलाट होते हैं बाद में जब सरकार बन जाती है। तो उन एमएलओं को अगर एमएलए हॉस्टल में रूम की जरूरत पड़ती है तो उनका रेंट 200 रुपये है। तो एमपी और एक्सएमपी से क्या चार्ज है? हाँ, एक्सएमपी और एक्सएमएलए इनका रेंट भी जो है 200 रुपया पर डे के हिसाब से लिया जाता है। जो एमएलए हैं या एमपी हैं अपने गेस्ट ठहराए तो उनसे क्या चार्जेज हैं? एमपी एमएलए जो अपने गेस्ट ठहराते हैं उनकी बुकिंग विधानसभा के थ्रू होती है और उसका 600 रुपया रूम रेंट पर डे के हिसाब से। एमएलए हॉस्टल का अगर जिक्र करें, यहाँ खूबसूरत पार्क भी बना हुआ है, यहाँ पर अगर व्यवस्था की बात करें, चंडीगढ़ के सेंटर में है ये, तो इसको लेकर यहाँ होड लगती होगी कि यहाँ रूम मिले हमें? जी, यहाँ जो हमारा हरियाणा एमएलए हॉस्टल का आप एरिया सारा घूमो, ग्रीनरी और ये सुभाष नेताजी चंद्र बोस पार्क जो बाहर बनी हुई है, इसमें बहुत बड़ा योगदान जो श्री मुकेश गुप्ता जी हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनका है, और जितनी ये रेनोवेशन का काम है उनकी ही टीम के हम मेंबर बन के करवा रहे हैं, तो मेन योगदान उनका है। जो अभी आप चंडीगढ़ में कहीं भी घूम लो और यहाँ आओ, यहाँ के आप रूम देखो, यहाँ की पार्क, और मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में ऐसा लोकेशन एरिया नंबर 1 पे मैं मानता हूँ इनको। तो अगर कैटेगरी की बात की जाए तो किस कैटेगरी की सुविधाएं यहाँ पर हैं होटलों के मुकाबले? नहीं, यहाँ देखो हॉस्टल और होटल में फ़र्क होता है। ये हॉस्टल है, हमारी हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट की कैंटीन है, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है यहाँ, बहुत नॉर्मल रेट है। चंडीगढ़ में अगर इतना रूम लेना हो तो मेरे ख्याल से 18-20 हज़ार से कम किराया नहीं लगता होगा? नहीं देखो, इतना आइडिया नहीं, लेकिन कम से कम मेरा आइडिया कि 5 हज़ार से कम तो ऐसा रूम नहीं मिलेगा कहीं भी। 5-स्टार होटल के जो रूम हैं उनसे बढ़िया रूम है। आप मान लो किसी होटल में रूम लेते हो, रूम का किराया तो 5 हज़ार है, 5 हज़ार ही आपका खाने का खर्चा होगा। यहाँ अगर आप 600 में रूम लेते हो तो आपका 200-250 रुपया 2-3 आदमियों का खाने का सिर्फ इतना बिल आएगा, बहुत ही नॉर्मल रेट पे और बहुत अच्छा घर जैसा खाना है यहाँ। देखिए, जनप्रतिनिधि जो चुनकर आ रहे हैं उनके लिए किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर हैं, क्या चार्जेस लिए जाते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हमने जिक्र किया। एक्सक्लूसिवली बातचीत की चंद्र शर्मा जी से, और 50 रुपये मात्र विधायक से लिए जाते हैं। जो रूम सुविधाएं हैं वो 5-स्टार के मुकाबले की हैं, भले ही ये हॉस्टल हो लेकिन यहाँ की सुविधाएँ किसी होटल से कम नहीं हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।